सीरियल शादी मुबारक में आप देख रहे हैं कि प्रीति पर किस किस तरह की मुसीबतें आ गई हैं। उसके बेटे ने तरुण ने उसे घर से निकाल दिया है और बेटी उसे अपने ससुराल लेके आई है। और यहाँ पर बेटी की सास यानी कुसुम कितनी तेज तर्राट और कितनी ज्यादा गुस्से वाली है, ये तो हम सभी को साफ दिख रहा है। कुसुम यहाँ पर दरअसल जिस तरह से बर्ताव कर रही है, ऑडियंस को बुरा लग रहा होगा कि भला प्रीति के साथ वो ऐसे क्यों कर रही है, कुसुम को समझना चाहिए कि उसके बेटे ने घर से निकाल दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। दरअसल कुसुम जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि प्रीति को इस बात का एहसास हो कि जितना हक उसका अपने बेटे के घर पे है उतना हक उसका बेटी की घर पे है। दामाद उसका दामाद नहीं, उसका बेटा है। दरअसल कुसुम का कैरेक्टर जो है ना बहुत क्यूट है। जिस तरह से वो बातें करती है, जिस तरह आहा कहा कहती है और जिस तरह वो यहाँ पर प्रीति को इस बात का एहसास दिला रही है कि बेटी का घर भी अपना समझो। यहाँ पर वो प्रीति से जिस तरह का काम करवाती हैं, कभी पर्दा खुलवाती हैं, कभी पर्दा बंद करवाती हैं, कभी खाना निकालने को कहती हैं, कभी चाय बनाने को कहती हैं, जिस तरह कुसुम ये सारी चीज़ें कर रही है, दरअसल वो प्रीति को एहसास दिलाना चाहती है कि ये घर भी तुम्हारा है, तुम यहाँ अच्छे से रह सकती हो। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होंगी। आने वाले कुछ दिनों में आप जल्द ही देखेंगे कि केटी आएगा प्रीति से मिलने और कुसुम केटी की दीवानी है। वो यहाँ पर देखेंगे कि केटी कुसुम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है और यहाँ पर केटी कुसुम को ऑफर देगा। उसे पता चलेगा कि तरुण ने उसे घर से निकाल दिया है, बेटी के यहाँ रह रही है जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर केटी कुसुम को ऑफर देता है जॉब के लिए, शादी मुबारक जो उसकी कंपनी है उसमें पार्टनरशिप के लिए। कुसुम यहाँ देखती है कि केटी कुछ ज़्यादा ही प्रीति में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऐसे में कुसुम आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कुसुम और प्रीति की दोस्ती हो जाएगी और उसे कुसुम को थोड़ा जलन भी महसूस होगा जो कि केटी कुछ ज़्यादा ही प्रीति के बारे में बात करता है। दरअसल ये शो है एक मैच्योर लव स्टोरी का। कैसे माँ को बेटे ने जब घर से निकाल दिया तो उसने फिर से अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सोचा और उसे मिला केटी का साथ। केटी यहाँ पर प्रीति को मनाएगा इस नए बिजनेस के लिए और प्रीति कुछ टाइम लेकर उसे सोचने का, सोच समझ कर उसे जवाब देने का टाइम लेगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीति केटी की बातों को मान लेगी और दोनों यहाँ पर फिर से बिजनेस शुरू करेंगे। ये सब कब और कैसे होता है ये सारे ट्विस्ट हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।